दोस्तों आज है 17 मार्च और आज इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है ओप्पो का लेटेस्ट एफ सीरीज फोन ओप्पो F19 Pro Plus। आज इसका करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ में इसके सारे फीचर्स देखेंगे। पीछे बॉक्स में कुछ फीचर्स लिखे हैं जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, तो जल्दी से इसको काटते हैं और देखते हैं अंदर इसके क्या क्या रखा हुआ है। साथ ही साथ में इस फोन के इंडेक्स रिव्यू भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों बॉक्स यहाँ पे कट चुका है और यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है, जल्दी से देखते हैं इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो जल्दी से यहाँ पे खोलते हैं इस लीड को और ऊपर आपको यहाँ पे एक जो है पाउच टाइप का मिल जाएगा, इसके अंदर हम लोगों को शायद बैक कवर जो है वो मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखा दूँ कि अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ है। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाड़ दिया है, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, आपने पिछले मेरे बैंड की वीडियो में भी देखा होगा उसको। तो अंदर हम लोगों को यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो मिल रहा है, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, उसको रखते हैं साइड में। इसके अंदर और दो पेपर यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, बेसिकली जो ज्ञान की बातें और जो यहाँ पे वारंटी वाले के डिटेल्स है वो साथ ही साथ में मिलता है। एक बैक कवर इन लोगों को रखते हैं साइड में। अब निकालते हैं सीधा फोन को और जल्दी से इसको देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है फ्लूइड ब्लैक कलर जो ओप्पो बोल रहा है वो है, इसको भी अभी रखते हैं साइड में, देखते हैं अंदर और क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे आपको सुपरबुक 2.0 का 65 वाट का आपको यहाँ पे चार्जर जो वो मिल जा रहा है। तो यहाँ पे फोन हालांकि सपोर्ट करते हैं 50 वाट का, तो मैंने ऑलरेडी एक चार्जिंग टेस्ट का वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। टाइप सी का केबल आपको यहाँ पे मिल रहा है और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगा कि आपको हेडफोन यानी ईयरफोन आपको इन बॉक्स मिल रहा है। आजकल की कंपनीज तो चार्जर भी देना बंद कर चुके हैं, वहाँ पे ओप्पो जो है ईयरफोन और चार्जर दोनों दे रहे हैं, वो भी फोन सपोर्ट करता है 50 वाट का और ये लोग दे रहे हैं इन बॉक्स में 65 वाट का। जल्दी से रैपर को हटाते हैं। फोन जो है ये जैसे मैंने बताया कि फ्लूइड ब्लैक कलर है, तो बहुत ही बढ़िया एक ग्लॉसी फिनिश में ये फोन हम लोगों को मिल जाएगा। तो जल्दी से सब कुछ हटाते हैं और एग्जैक्टली फोन पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने फोन को जो है वो सेटअप कर लिया है, तो आपका वक्त ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, सीधा आ जाते हैं यहाँ पे फोन के डिटेल्स के ऊपर और इसका रिव्यू जो है जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको एक बढ़िया फॉर्म फैक्टर का एक हल्का फुल्का फोन जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक बढ़िया स्क्रीन आपको मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे डिजाइन जो है वो काफी मस्त लगा, दो कलर में आता है, एक है स्पेस सिल्वर और एक है फ्लूइड ब्लैक कलर। तो मैंने यहाँ पे फ्लूइड ब्लैक जो है वो पसंद किया है और यही मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर करके लिया था। तो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक सुपर एमोलेड का फुल एचडी प्लस का आपको 6.43 इंच का एक स्क्रीन मिल जाएगा, जिसका पीपीआई आपको 409 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो पंच होल के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रंट साइड जो है वो काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक 3.5mm का ऑडियो जैक मिलेगा, प्राइमरी माइक्रोफोन, आपको यहाँ पे यूएसबी टाइप सी का चार्जर और यहाँ पे स्पीकिंग ग्रिल जो है वो मिल जाएगा। बात करें इस साइड की, तो आपको यहाँ पे पावर बटन मिलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरफ आते हैं, देखते हैं यहाँ पे आपको मिलने वाला है वॉल्यूम रॉकर और आपको यहाँ पे सिम ट्रे जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रिपल स्लॉट में ही आ रहा है, तो एक्सपेंडेबल आपको 256GB आप यहाँ पे कर सकते हैं। फोन का इंटरनल रैम रोम की बात थोड़ी देर में करेंगे। तो बैक साइड का डिजाइन जो है मुझे काफी पसंद आया, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में है, हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट है। तो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कैमरा में, तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा आपको मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ कैमरा जो है वो मिल जाएगा। तो साथ ही साथ में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश और 5G लिखा हुआ है, तो ये फोन 5G है वो आप इजीली फ्लॉन्ट कर सकते हैं। तो आपको जो बताइए नीचे कमेंट करके आपको ये फोन का डिजाइन कैसा लगा। हालांकि यहाँ पे कैमरा का जो बम्प है उसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको ओप्पो का लोगो और यहाँ पे जो है बाकी फिनिश जो है आप देख सकते हो, तो आपको बताने की और डिटेल जरूरत नहीं है। यहाँ पे जल्दी से आते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्टॉक डायलर जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है एंड्रॉइड का। तो बहुत से लोगों को ये पसंद है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, आप किस में से है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब जल्दी से फोन के हार्डवेयर के डिटेल्स आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 11.1 का आपको कलरओएस का वर्जन मिलेगा, एंड्रॉइड 11 आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। डायमंडसिटी 800U का प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलेगा, 8GB का रैम है, 8GB LPDDR4X का रैम है, 128GB का इंटरनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पे देखते हैं बाकी चीज की, तो
पर्सनलाइजेशन में आते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज कलरOS 11.1 या फिर कलरOS 11 का आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आपके फोन को आप चाहे तो अपने सहूलियत के हिसाब से या फिर आपके चॉइस के हिसाब से आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो आपका आइकन्स के शेप्स, आइकन के साइज, उसके अंदर के जो लोगो है उनके साइज आप चाहे तो यहाँ से इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कलरOS 11 पसंद आया कि नहीं पसंद आया, और कौन से फीचर्स आप चाहे तो फ्यूचर के कलरOS वर्जन में देखना चाहते हो, तो आप जरूर नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब जल्दी से यहाँ पे दिखाते हैं आपके बाकी फीचर्स को। आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से अपने नोटिफिकेशन पैनल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके कलर जो है आपके हिसाब से, अपने वॉलपेपर के हिसाब से आप चाहे तो यहाँ पे कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कलर को सिलेक्ट करना है और नीचे अप्लाई बटन पे हिट करना है, तो आपका ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी चीज की। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट जैसे फीचर्स को भी आप चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 8 स्टाइल्स जो है वो मिल जाएंगे, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। दोस्तों, अगला जो फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो है होम स्क्रीन सेटअप का जो लेआउट है उसको। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है स्टैंडर्ड ओप्पो के पहले फोन के जो लेआउट थे वो पसंद करते हैं, या फिर आप चाहे तो ड्रॉयर मोड जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आप चाहे तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल मोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कस्टमाइज AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। आप चाहे तो इसको पावर सेविंग मोड या फिर शेड्यूल्ड या फिर ऑल डे, ये 3 ऑप्शन पे आप अपने AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना देर इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। अब जल्दी से अगला फीचर जो है वो देखते हैं, वो है 3 फिंगर ट्रांसलेट। जी हाँ, यहाँ पे बहुत टाइम पे होता है कि फॉरेन लैंग्वेज का कुछ हमारे सामने आ चुका है, हमको समझ में एग्जैक्टली नहीं आ रहा, तो हम इजीली उसको 3 फिंगर से एक स्वाइप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि ओप्पो वीवो के सारे फोन में होता है। वहां से आपको ऊपर में एक ट्रांसलेट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं आपके पसंदीदा लैंग्वेज में। ऊपर यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट बंगाली है, तो यहाँ पे एंटायर पेज जो है वो बांग्ला में ट्रांसलेट हो चुका है, लेकिन आप अपने भाषा के हिसाब से यहाँ पे चाहे तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती कुछ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फीचर जो है ओप्पो ने यहाँ पे दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, सारे के सारे लैंग्वेज जो है जो गूगल सपोर्ट करता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो रियल टाइम में हम लोग यहाँ पे जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड चाइनीज रेस्टोरेंट या फिर जापानीज रेस्टोरेंट में, तो वो भी आप यहाँ से ईजिली देख सकते हो। तो आशा करूंगा ये छोटा सा रिव्यू वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कौन से फीचर्स आप देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूं स्क्रीन के ऊपर किसी वीडियो पर। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।